सहरावत गोत्र का मिलन समारोह आज दुर्जनपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली से दारा सिंह, सतपाल सहरावत, हिंद केसरी, पवन सहरावत कबड्डी खिलाड़ी और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली ओम प्रकाश सहरावत व हरियाणा राज्य सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व पंजाब के सहरावत गोत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। हरियाणा में कुछ सहरावत गोत्र के लोगों द्वारा स्वयंभू प्रचार किया जा रहा है कि वह हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहरावत गोत्र द्वारा चुने गए हैं, जो सरासर सहरावत गोत्र में एक भ्रांति फैला रहा है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए सहरावत गोत्र का मिलन समारोह आज दुर्जनपुर में रखा गया था और इस मिलन समारोह के माध्यम से समाज में फैल रही कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए निर्णय लिया गया, जिसमें दहेज ना लेना, ना देना इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। आने वाली सहरावत पीढ़ी के लिए शिक्षा, चिकित्सा व खेल, रोजगार आदि बातों के ऊपर भी विचार विमर्श इस दौरान किया गया। क्या कार्यक्रम था आज? पूरे हरियाणा प्रदेश के सहरावत भाईचारे का मिलन समारोह गांव में रखा गया था। उसमें मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे को भी होता था भाईचारे की तरफ से, तो आज प्रोग्राम में शिरकत करने आए थे। उस पूरे हरियाणा से, प्रदेश से जो हमारे पूरे भाईचारा में इकट्ठा हुए थे, बड़े बुजुर्गों के हमारे उनका आशीर्वाद लिया और भाईचारे को और मजबूत कैसे हो, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको मिलकर कैसे दूर कर सकें, उस पर आज इस भाईचारे के प्रोग्राम में चर्चा हुई है। सामाजिक बुराइयों के लिए हम सबको अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लड़ना होगा और समाज में जो बढ़ती बुराइयाँ उनको रोकना होगा। क्या क्या रूपरेखा रही आज के कार्यक्रम की? समाज को एकजुट करके चलें, जो सामाजिक ड्यूटियाँ हैं हमारी वो निभाना शुरू करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हमें मान सम्मान देना चाहिए, जो भी समाज से बढ़ती हुई बुराइयाँ हैं उनके खिलाफ एक किस्म से मैं कहूँगा कि लोगों की जो सोच है उसको बदलने के लिए आज इस भाईचारे का आयोजन किया गया है। सर, एक सामाजिक रीत है, पहले गोती बाई फिर असनाई, आजकल युवा गोत्र को बोलते जा रहे हैं, समाज को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं जो पुराने समय से, जब से सृष्टि बनी, जब से चली आई है, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो हमारी धरोहर है, उनको हमें सजो के रखना होगा। उनको समाज को जोड़ने के लिए जो ये परंपराएं हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई थी, ये समाज को जोड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनके पीछे साइंटिफिक रीजन भी होते थे। और परमात्मा ने हमें जिस भी रूप में जन्म दिया, सबसे पहले उसने हमें एक इंसान के रूप में जन्म दिया है, हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए और जहाँ हमें जन्म मिला है उस परिवार के साथ साथ, उस देश और प्रदेश में या जिस गाँव में पैदा हुए और जिस समाज में पैदा हुए, वहाँ हमारी ड्यूटियाँ हैं, उसको हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। जैसे आज आपने गोत्र में आकर के आपने एक जनसभा को संबोधित किया है, तो आपके कैसी फीलिंग आ रही है कि इतने बड़ा गोत्र समाज आपका इकट्ठा हो? देखिए, भाईचारा मजबूत हो, हम एक दूसरे के का साथ दे सकें और साथ सर्व समाज के लोगों को साथ लेके चल सकें, इस समाज को इकट्ठा करने से एक भाईचारा बढ़ता है और जो समाज में आपसी भाईचारा रहेगा तभी लोगों का सद्भावना रहेगी और समाज एक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं या हम एक अच्छा जीवन जिसको कह सकते हैं भाईचारे को मजबूत करके ही उसको जी सकते हैं। आप भी सहरावत गोत्र से हैं और सहरावत गोत्र से होने के नाते क्या उम्मीद सहरावत गोत्र का परिवार आपसे करता है? देखिए, मैं इनका, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका खून हूँ, मैं उम्मीद जिस भी लायकता में आज मैं हूँ और जिस लायकता में मुझे मेरे टोहाल गणितंत्र ने बिठाया है, मैं कहीं भी कोई किसी काम आ सकूँ, वहाँ जब किसी को भी हाजिर रहे। एक बड़ी बात और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दुर्जनपुर गांव में आप बैठे हैं और हरियाणा सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं, ग्रामीण और पंचायत मंत्री, उसके बाद गांव दुर्जनपुर में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ से दुष्यंत जी आपके जनप्रतिनिधि हैं और सीएम है सरकार। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।